Now in this question, we have to prove that a plus ar plus ar square up to ar raised to the power n minus 1 is equal to a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. So first of all, we will check it up for n is equal to 1, कि क्या ये n is equal to 1 पे true है या नहीं है. So n की जगह पे मैं 1 substitute करूँगा, तो left hand side पे मेरा आ जाएगा a r raised to the power 1 minus 1, और right hand side पे अगर n की जगह पे हम 1 substitute करेंगे, then it will become a raised to the power, sorry, a into r raised to the power 1 minus 1 upon r minus 1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 1 माइनस 1 ए इंटू आर एस टू दी पावर 0 हो जाएगा, एंड इट विल बिकम राइट हैंड साइड विल बिकम ए इंटू आर माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. नाउ वी नो दैट एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज 1, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ये आ जाएगा ए इंटू 1 दैट इज इक्वल टू ए, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट हैंड साइड भी हमारा ए आ जाएगा. So we can say that it is true for n is equal to 1. N is equal to 1 पे ये function हमारा true है. And then in the next step, we will suppose that it is true for n is equal to k. ये कोई natural number k है, उसके लिए हमारा ये true होगा. And then हम n की जगह पे k substitute करेंगे. n is equal to k है तो हमारी ये equation बन जाएगी a plus ar plus ar raised to the power 2 plus up to, अब n की जगह पे मैं k substitute करूँगा, so it will become ar raised to the power k minus 1, और right hand side पे ये हमारा आ जाएगा a इंटू आर एस टू दी पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा. तो अगर मैं n की जगह पे k प्लस 1 सब्सिट्यूट करूंगा, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस, नाउ वी नो दैट कि k प्लस 1 जो टर्म है वो k के बाद आएगी, तो पहले मैं k वाली टर्म लिखूंगा प्लस ar रेस टू द पावर k माइनस 1, उसके बाद हमारी k प्लस 1 वाली टर्म आएगी ए आर रेस टू दी पावर के प्लस 1, और माइनस 1 हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू दी पावर के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. सो नाउ दिस इज अवर टारगेट, हमें ये जो सारी लेफ्ट हैंड साइड है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं, इनको इसके साथ इक्वल प्रूव करना है. सो व्हाट आई विल डू, वी नो दैट अप टू दिस टर्म ये सारी टर्म्स दे आर इक्विवेलेंट टू, एज पर अवर इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू ए इंटू आर एस टू दी पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. तो इसकी जगह पे मैं ये लिख लूंगा, सो इट विल बिकम ए इंटू आर एस टू दी पावर के माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये एज इट इज आ जाएगा. नाउ 1 प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो इट विल बिकम ए आर रेस टू द पावर के ओनली. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमारा जो एलसीएम होगा वो आर माइनस 1 ही होगा, सो ये एज इट इज आ जाएगी टर्म ए इंटू आर रेस टू द पावर के माइनस 1 प्लस, नाउ दे विल मल्टीप्लाई आर माइनस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए आर एस टू दी पावर के मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस 1. तो इस ब्रैकेट को इनको फर्दर सॉल्व करते हैं,
फर्दर सॉल्व करने पे ये बन जाएगा, ए को आर एस टू द पावर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए इंटू आर एस, सॉरी इट विल बिकम ए इंटू आर एस टू द पावर के माइनस ए, और यहाँ पे भी बन जाएगा ये हमारा प्लस ए इंटू आर एस टू द पावर, नाउ आर आर से मल्टीप्लाई होगा तो पावर इसकी इंक्रीज हो जाएगी 1 से, सो इट विल बिकम ए आर इज टू द पावर के प्लस 1, और ए आर इज टू द पावर के को माइनस से करेंगे, माइनस 1 से करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम ए आर माइनस ए रेज टू द आर रेज टू द पावर के, और डिनोमिनेटर में हमारा आर माइनस 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, वी कैन कैंसल आउट, ये प्लस का है ये माइनस का, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, एंड देन हमारे पास जो टर्म बच गई है दैट इज ए आर रेज टू द पावर के प्लस 1 माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। नाउ इन बोथ दिस पोजीशंस हमारे पास ए कॉमन मिल सकता है, सो मैं ए को कॉमन लूंगा, तो ए कॉमन लेने पे इस पोजीशन पे हमारे पास बच जाएगा आर रेज टू द पावर के प्लस 1, और यहाँ पे मेरा 1 बच गया और नीचे हमारा आर माइनस 1 एज इट इज चलेगा। सो नाउ वी सी दैट इट इज इक्विवेलेंट टू अवर राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था, सो नाउ वी कैन से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स।